फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नॉलेज गुरु काजल चैनल। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि हर महीने गणेश चतुर्थी व्रत क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी, जानिए आज की इस वीडियो से। ऐसे तो गणेश चतुर्थी व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, लेकिन हर महीने आने वाले इस गणेश चतुर्थी व्रत के पीछे की एक है कहानी, वो हम आपको बताते हैं। हुआ ये था, जब पार्वती माँ नहा रही थी तो उन्होंने अपने मैल से गणेश जी को जन्म दिया था और उन्हें बाहर एक पहरेदार के रूप में खड़ा कर दिया। जब भगवान शिव आए तो उन्हें पता नहीं था ये मेरा पुत्र है और ना ही गणेश जी को पता था ये मेरे पिता हैं। तो शिव जी ने कहा मुझे अंदर जाना है, लेकिन गणेश जी के मना करने पर शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। जब अपने लल्ला की चीख की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने पुत्र का शीश कटा हुआ देखकर उन्होंने कालिका रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने पार्वती माँ को समझाते हुए कहा कि आप देवी शांत हो जाइए, मैं इसके लिए कुछ उपाय निकालता हूँ। तो उन्होंने अपने गणों से कहा कि एक ऐसे पुत्र का तुम शीश लेकर आओ जिसकी माँ जो है पीठ करे हुए लेटी हो। तो उन गणों को गजानन मीन्स जो हथनी थी उसी वो ही दिखाई दी। उसका वो जो है अपने बेटे पुत्र के साथ मीन्स अपना जो बच्चा था हाथी का जो बच्चा होता है उसे पीठ फेरे हुए लेटी थी, तो वो उसका शीश उतार कर ले आए। तब शिव जी ने उसका शीश जो है गणेश जी को लगा दिया, तब से ही इनका नाम जो है गणेश जी हो गया। मीन्स इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाता है। और इसके पीछे की एक कहानी ये भी है। हुआ ये था कि एक बार कुबेर जी को धन का बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप मेरे घर खाना खाने पर आएं। तो भगवान शिव ने कहा मैं तो आ नहीं पाऊँगा। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी जब उनके यहाँ खाना खाने गए तो सारा खाना ख़त्म कर दिया। अब भगवान कुबेर जो थे, जिन्हें इतना सारा अभिमान था अपने धन और वैभव को लेकर, वो सोचने लगे कि दौलत से तो भूख मिटेगी नहीं, उसके लिए तो खाना चाहिए, लेकिन खाना तो सारा ख़त्म हो गया। तो उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांग ली और कहा कि मेरा जो सारा अभिमान है और जो घमंड है वो चूर चूर हो गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भूल कर भी कभी भी ज़िंदगी में ये अभिमान नहीं करूँगा। तब गणेश जी ने कुबेर जी को माफ़ कर दिया और वो आराम से अपना पेट भर के उनके जो वाहन थे मूषक जी हैं उस पर जा रहे थे, तो उनका जो लोड है वो ज़्यादा हो गया और मूषक जी उस लोड को उठा नहीं पाए, तो उसकी वजह से जो है गणेश जी फिसल गए। इस वजह से फिसलने की वजह से गणेश जी के जो हाथ पैर थे और मुंह जो है वो गंदा हो गया। उनका ऐसा रूप देखकर चंद्रमा जी हंस पड़े। गणेश जी को जब आसपास देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने आसमान में देखा तो चंद्रदेव हंस रहे थे। तभी गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुझे जिस रूप पर इतना अभिमान है ये तेरा रूप नहीं रहेगा। तो उसी टाइम जब उन्होंने उसे श्राप दिया तो चंद्रमा के जो चेहरे की कांति थी वो काली पड़ने लगी। तभी चंद्रमा ने गणेश जी से क्षमा मांगी, इतनी प्रार्थना की, तो उसकी प्रार्थना से गणेश जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा कि महा में एक दिन में तो तुझ पे श्राप का पूरा असर रहेगा। मीन्स अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और वहीं पूर्णिमा के दिन पूरे पूरे दिखाई देते हैं। मीन्स धीरे धीरे जो है चंद्रमा की कांति काली पड़ने लगती है। जब चंद्रमा ने गणेश जी की ज़्यादा आराधना की तो भगवान गणेश जी ने उन्हें यह वरदान भी दिया कि यही मैं आपको यही वाली कहानी बताने जा रही हूँ कि ये जो अब हर महीने मनाई जाती है ना, इसके पीछे की यही कहानी है। इन्होंने इन्हें वरदान दे दिया था कि जिस दिन मेरी पूजा होगी उस दिन तेरी भी पूजा होगी। मीन्स मेरा जो व्रत है गणेश चतुर्थी का, ये जो व्रत है वो तुझे देखकर ही खोला जाएगा। तो ये थी वो गणेश चतुर्थी के व्रत की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आप हो चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे गाइस आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।